दोस्तों आपने वन नेशन ऑफ राशन कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। हाल ही में ये योजना पूरे भारत में लागू कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, मेरा राशन। तो यहाँ पर किस तरीके का ये ऐप्स है, यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइम में। तो चलिए दोस्तों क्या है ये एप्स और किस तरीके से आपको यहाँ पर इस एप्स का इस्तेमाल करना है और क्या कैसे क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं ऐप के बारे में। दोस्तों कैसा लगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है मेरा राशन। जैसे ही आप यहाँ पर मेरा राशन लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी मेरा राशन। दोस्तों इस ऐप्स को आप ठीक से देख लीजिए क्योंकि आपको याद बना रहेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऐप्स पर क्लिक किए देते हैं। अब यहाँ पर इस ऐप्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था तो मैं इसे ओपन किए देता हूँ। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपसे अलाउड करने को बोलेगा तो आपको अलाउड कर देना है। अलाउड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको थ्री लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पर आप जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला अबाउट अस, दूसरा हेल्पलाइन, तीसरा आपको सजेस्ट फीडबैक। तो यहाँ पर पहला आपका अबाउट अस, यहाँ पर ऐप्स की डिटेल्स दी गई है, ठीक है ना, ऐप्स कौन से वर्जन का है ये सब। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है हेल्पलाइन। यहाँ पर हेल्पलाइन में एक नंबर दिया गया, अगर आपको राशन कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन दिया गया है सजेशन फीडबैक। तो यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए कई तरह के आपको आइकन दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आइकन की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं राशन कार्ड नंबर डालकर यहाँ पर सबमिट किए देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे सारी डिटेल्स शो करने लगी है। अब यहाँ पर देखिए मेरी राशन कार्ड का नाम वगैरह, स्ट्रीट प्लेस, सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं। और यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर शो कर रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइग्रेशन डिटेल्स, अगर आप इन फैमिली मेम्बर्स में से जिनका भी ट्रांसफ़र अदर स्टेट में करना चाहते हो या फिर अदर राशन की दुकान यानी कि अदर कंट्रोल पर करना चाहते हो तो यहाँ पर माइग्रेशन की मदद से कर सकते हो। यहाँ पर राइट टिक कर दीजिएगा और यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन पीरियड वगैरह मोबाइल नंबर माइग्रेशन रिमार्क यहाँ पर लिखकर सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो सदस्य का नाम होगा या फिर फैमिली पूरी की पूरी फैमिली होगी वो अदर स्टेट में ऑटोमेटिक ही रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको अपने नज़दीकी राशन कार्ड से राशन मिलने लगेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में पूरे इंडिया में वन नेशन ऑफ राशन कार्ड की सेवा चालू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड की डिटेल और आपके राशन कार्ड में ऐड सदस्यों की डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। अब ऐसे में होगा क्या कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के निवासी हो और उत्तर प्रदेश में किसी कार्यवर्ष जाते हो तो वहाँ पर आप अपना राशन लेना चाहते हो तो आप इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकोगे और नज़दीकी कंट्रोल यानी कि राशन की दुकान से अपना राशन ले सकोगे। इसके बाद आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, नो योर अनेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया गया है राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर। तो यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर हो उस नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल ही देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालता हूँ, अगर आपके पास राशन कार्ड का नंबर है तो राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही अपना आधार नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर आपको क्या सेवाएँ मिल रही हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है राशन कार्ड में, क्या नहीं मिल रहा है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो नीचे की तरफ यहाँ पर इतना राशन दिया जा रहा है इस आईडी पर। तो यहाँ पर हम दोबारा से बैक हुए लेते हैं और यहाँ पर थर्ड नंबर के ऑप्शंस पर देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नियर बाई राशन कार्ड शॉप। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा राशन शॉप। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके आसपास जितने
जितनी भी राशन की दुकानें हैं वो राशन की दुकानों का एड्रेस आपके मोबाइल पर लोकेशन सहित शो करने लगेगा, तो आप आसानी से अपनी राशन की दुकान पर पहुंच सकते हो। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ONORC स्टेटस, इसका मतलब होता है वन नेशन ऑफ राशन कार्ड। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इंडिया का मैप देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखिए आपको ब्लू और रेड कलर की कुछ बिंदियाँ दिखाई देती हैं। अब जहाँ जहाँ ग्रीन और रेड कलर की बिंदु दिखाई देती हैं, अब जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीन कलर की बिंदु दिखाई दे रही हैं वहाँ पर आप टिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस मंथ में कितने ट्रांजेक्शन किए गए, वन नेशन राशन कार्ड की एप्स पर कितने नहीं किए गए, क्या प्रॉफिट मिला, कितना नहीं मिला, कितनी सामग्री ली गई, कितनी नहीं ली गई, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करने लगेगी। और जहाँ पर रेड बिंदु दिख रहा है वहाँ पर ए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वैसे तो दो चार जगह ही यहाँ पर रेड बिंदु दिख रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो आप इस सर्विस का यूज कर सकोगे। इसके बाद हम दोबारा से बैक हो जाते हैं। यहाँ पर आप माई ट्रांजेक्शन के फिफ्थ नंबर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कितना राशन मिला है इस मंथ का, कितना नहीं मिला है, पिछले मंथ मिला था, नेक्स्ट मंथ मिलेगा कि नहीं, पूरी डिटेल्स यहाँ से दिख जाएगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो राशन कार्ड का नंबर है इस क्राइटेरिया में आता है कि नहीं, इस एप्स में काम करेगा आपका राशन कार्ड कि नहीं, उसे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आधार सेंडिंग, अगर आपके राशन कार्ड में आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहां पर इस ऐप्स की मदद से अपने आधार कार्ड की डिटेल्स राशन कार्ड को भेज सकते हो, जिसकी मदद से स्टेट ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड को रजिस्टर्ड कर लेगा। इसके बाद सेवेंथ ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सजेस्ट एंड फीडबैक। फीडबैक और सजेस्ट में तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का सजेशन देना चाहो या फिर फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है वो आधिकारिक लॉगिन होता है, तो यहाँ पर ए लॉगिन आपके काम का नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो मेरा राशन कार्ड ऐप है उस पर किस तरीके से आपको काम करना है, वर्क करने के बारे में। दोस्तों कैसा लगा है आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट कर हमें अपनी राय भी, तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।